वेलकम टू द चैनल इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अ चैप्टर ऑफ क्लास 3rd एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज ही इज़ my ब्रदर इस चैप्टर में जो ऑथर है उन्होंने बताया गया बताया है कि कैसे मतलब एक फीलिंग को डेवलप करने की बात कही गई है कि कैसे एक बच्ची जो रहती है वो अपने भाई के लिए इतनी मुश्किलों से पहाड़ के ऊपर चढ़ती है जस्ट बिकॉज ही इज़ अनेबल टू वॉक कि वो आ, जो वॉक है जो चल नहीं सकता है तो इसका सेंट्रल आइडिया इस चैप्टर का यही है कि हमें अपने परिवार के लिए हमारी फ़ैमिली के लिए और सब के लिए कैसे क्या अच्छा अच्छा करना चाहिए सो लेट्स बिगिन द चैप्टर वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज़ अ स्मॉल हिल एक बार की बात है एक स्मॉल हिल थी यानी एक छोटी सी पहाड़ी थी पाथ वेंट अप हिल और उस पहाड़ी पर एक रास्ता जाता था इट वेंट थ्रू थिक एंड लवली वुड्स ऑफ पाइन एंड फर ट्रीज और वो रास्ते के बीच क्या थे बहुत प्यारे लवली बहुत प्यारे और थिक, मोटे मोटे अच्छे खूबसूरत से पाइन यानी होता है देवदार के ट्री और फर ट्रीज़ थे जो अक्सर ही हमारे पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं पीपल ऑफन वॉक ऑन इट टू अ होली प्लेस और जो लोग थे वो उस रास्ते से अक्सर गुजरते थे क्यों गुजरते थे और अक्सर उस रास्ते से जाया करते थे क्योंकि वहां पर होली uh, प्लेस थी एक कोई सा भी होली प्लेस थी होली प्लेस यानी होता है पवित्र स्थान जैसे फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे मंदिर हो सकता है मस्जिद हो सकता है गुरुद्वारा या कुछ भी जो रिलीजियस जगह रहती हैं जो कि हमारी उमूमन होली रहती है यानी पवित्र रहती वो थी वन डे वन सन शॉन हाई इन द स्काई मैनी पीपल वर सीन क्लाइंबिंग अप द हिल अब एक बार जब सूरज जो था बहुत तेज़ी से चमक रहा था यहाँ शॉन जो है वो शाइन का सेकेंड फॉर्म है Uh, यानी शोन का मतलब होता है चमकना बहुत तेजी से चमक रहा था यानी वहाँ गर्मी होगी हाई इन द स्काई स्काई के uh, आसमान पर मैनी पीपल सीन क्लाइंबिंग अप हिल बहुत सारे लोग जो थे वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहे थे क्लाइंबिंग अप का मतलब होता है पहाड़ चढ़ना दे वर क्लाइंबिंग स्लोली एंड केयरफुली और वो लोग बहुत आराम आराम से स्लोली यानी होता है बहुत धीरे धीरे से और केयरफुल यानी सावधानी पूर्वक चल रहे थे क्यों चल रहे थे कि भाई अगर उनका पेर वेर वगैरह या फिर कुछ भी फिसला तो उनको चोट लग सकती इसलिए वो बहुत ध्यान से और आराम से चल रहे थे अ गर्ल ऑल्सो क्लाइंब द हिल विद टेम और एक लड़की थी जैसे कि आपको इस पिक्चर में बताया गया है एक लड़की थी वो भी उन्हीं लोगों के साथ उस हिल पर उस पहाड़ी पर चल रही थी हर नेम मीना और उसका नाम क्या था मीना था मीना वॉज ट्वेल्व ईयर्स ओल्ड और जो मीना थी वो सिर्फ बारह साल की थी शी कैरेट अ स्मॉल बॉय ऑन हर बैग और उसने एक बच्चे को एक छोटे से लड़के को अपनी बैग पर यानी अपनी पीठ पर ले रखा था कैरेट का मतलब होता है लेना जैसे कि आपको इसमें दिखाया गया है है ना ही वॉश फोर ईयर्स ओल्ड और जो बच्चा था वो चार साल का था हिज़ हेयर वॉश करली और उसके बाल कैसे थे कर ली थे यानी घुंग ले थे हिज़ आइज़ वॉ ब्लैक एंड हिज़ फेस वॉश एज फ्रेश एज़ द मॉर्निंग ड्यू और उसकी जो आइज़ थी वो ब्लैक थी और उसका जो चेहरा था वो ऐसा चमक रहा था ऐसा फ्रेश था ऐसा ऐसा ताज़ा था जैसे कि हमारी मॉर्निंग ड्यू यानी उसकी बूँदें जैसे होता है होती हैं अब इसमें इस वाले पैराग्राफ में पूरा उस छोटे से बॉय का डिस्क्रिप्शन दिया है और उसके ऊपर वाले पैराग्राफ में मीना का डिस्क्रिप्शन दिया था क्या दिया था कि जो मीना थी वो बारह साल की थी और उसने एक बच्चे को ले रखा था अपनी बैग पर और सेकेंड वाले में उस वो उस बच्चे का डिस्क्रिप्शन दे रखा उस बॉय का डिस्क्रिप्शन दे रखा कि वो सिर्फ चार साल का था उसके जो बाल थे वो करली थे उसकी आंखें ब्लैक थी यानी काली थी और उसका फेस जो था वो उसकी बूंदों की तरह फ्रेश था यानी ताज़ा था एज द सनशाइन डांस थ्रू द ट्रीज मीना क्लाइम द हिल स्लोली एंड स्टीडली अब जैसे जो सनशाइन थी डांस थ्रू द डांस यानी यानी कि वो नाच रही थी नाच नहीं रही थी जैसे हमारी आ, कभी कभी पहाड़ी इलाकों में कभी सूरज छुपता है है ना पेड़ होते हैं तो सूरज छुपता है तो चु, सनशाइन तो जो उसकी धूप रहती कहीं कहीं आती है कहीं कहीं नहीं जाती तो इसलिए बोला गया है यहाँ पर अब जो मीना थी वो धीरे धीरे से उस सेटली कभी धीरे धीरे भी चल रही थी और जल्दी जली भी चल रही थी मीना वॉज हैप्पी और मीना कैसी थी शी वॉज वेरी हैप्पी बहुत खुश थी वो एंड द बॉय वॉज ऑल्सो हैप्पी और जो बॉय था उसकी जो पीठ पर जो लड़का था वो भी बहुत खुश था मैन इन द ग्रुप लुक डैट मीना सडनली क्या हुआ कि एक एक लड़ एक मैन ने एक आदमी ने मीना की तरफ देखा ही फेल्ट सॉरी फॉर हर और उसको बहुत बुरा लगा उस मीना की तरफ देख कर क्यों बुरा लगा वो आपको आगे बताएंगे फेल्ट सॉरी फॉर हर यहाँ पे सॉरी फील करना यानी होता है बुरा लगना एक तो सॉरी होता है जैसे कि हम माफ़ी मांगते लेकिन यहाँ पे बताया गया सॉरी फील करना यानी किसी के लिए बहुत बुरा लगना ही आस्ट हर अब उस मैन ने पूछा उससे माई चाइल्ड मेरी बच्ची वाई आर यू केयरिंग अ बॉय ऑन योर बैक कि तुम इस बॉय को अपनी बैग यानी अपनी पीठ के ऊपर क्यों आ, लादे हुए हो क्यों ले रखा है आपने इसको अपनी बैग के ऊपर डोंट यू फील हिज लोड क्या तुम्हें इसका वज़न नहीं लगता जैसे कि हम कुछ भी कहीं पर भी चढ़ते हैं तो क्या होता है कुछ भी अगर हमारे शोल्डर पे होता है या बैक पे होता है तो हमें वजन लगता है कि नहीं लगता है तो वैसे ही सेम इस मैन ने मीना से पूछ लिया कि भाई तुम्हें इसका वज़न नहीं लगता है मीना लुक डेट हिम इन वंडर मीना ने उसे बहुत वंडर uh, से देखा मतलब बहुत ही अचंभव से देखा शी कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम और उसको समझ में नहीं आ रहा कि ये इंसान बोल क्या रहा है यह व्यक्ति मुझसे बोल क्या रहा है अब इसमें उसके मीना आस्ट हर हर ब्रदर वॉज अनेबल टू वर्क और जो लड़का था जो उसकी पीठ पे था वो उसका भाई था यहाँ पे बता दिया गया है आपको और वो अनेबल टू वॉक यानी वो वॉक नहीं कर सकता था यानी वो चल नहीं सकता सकता था क्योंकि उसके पैर में कुछ तकलीफ़ थी मीना आज मीना ने पूछा मीना ने पूछा लोड वज़न कोर्स नॉट नहीं मुझे इसका वज़न नहीं लगता ही इज़ माई ब्रदर और ये क्यों नहीं लगता क्योंकि ये मेरा भाई है अब भला अपने लोगों का भी हमें कभी वजन लगता है तो इसी का पूरा सेंटर आइडिया यही था इस ही इज़ माई ब्रदर में पूरे इस पूरे सेंटेंस में पूरे लेसन का सार आ चुका है तो ये होता है बेस्ड ऑन द स्टोरी बाई सा कुमार भट्ट इसमें न्यू वर्ड्स आए हैं जैसे अंडरस्टैंड यानी होता है समझना क्लाइम यानी होता है चढ़ना होली पवित्र स्लोली यानी होता है धीरे धीरे सॉरी जैसे कि आप जानते हो माफ़ी है ना लेकिन यहाँ पे कैसे सॉरी फील किया गया यानी बुरा लगा गया लोड यानी होता है वजन सो दैट्स ऑल द चैप्टर अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको अपने फैमिली और दोस्त में शेयर कीजिएगा थैंक यू सो मच